few moments later. अरे हमारी डेटा भी खराब हो गया तो हेलो गाइस, दिस इज डे टू ऑफ आवर ट्रिप इन मसूरी एंड वी जस्ट वोक अप एंड सो हियर इज द व्यू. बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, पूरी धूप निकली हुई है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है. तो आज हम लोगों का लाल तिब्बा करके एक जगह है, उधर जाने का थोड़ा प्लान बन रहा है. तो हम लाल तिब्बा जाएंगे और फिर बस उधर से वापस इधर ही आ जाना है. तो उधर ही जाने का प्लान है और बताते हैं आपको कि कैसा रहता है हमारा अपडेट वहाँ पे जाने के बाद. सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय. और बाय बोलने से पहले तब से मैं आपको एक प्रॉपर्टी का एक वॉक अराउंड देता हूँ कि क्या नज़ारा है प्रॉपर्टी का. सो इधर सामने देख सकते हो आप, इधर अपनी गाड़ी पार्क हुई है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है और यहाँ से वापस इधर को आना है. और ये इनका एंट्रेंस है, यहाँ से घुसे और अंदर तो पूरा है ही है, मतलब जैसा होता है ठीक है वो. और इधर से इधर आके आप बालकनी में भी आ सकते हैं. आप बॉयज़ चिलिंग है, मिस्टर रस्टिन इज़ हियर. I am taking vitamin D. Yeah, that is the way. So now we are leaving for Lal Tibba. तो अपने रूम से हम निकल चुके हैं, मतलब रूम बोलो जो भी है, चल रहे हैं. एक गाड़ी लेकर ही जा रहे हैं आज हम. एक गाड़ी को रेस्ट, मतलब यहीं पे पार्किंग में छोड़ दिया, एक ही गाड़ी में सारे लोग जा रहे हैं और लाल तिब्बा पहुँचते हैं, पैक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि क्या सीन रहता है, कितना है, बढ़िया है, वर्थ इट है या नहीं है. सो स्टे ट्यून्ड गाइस. सो अभी हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके टैक्सी कर ली थी, तो और टैक्सी से अभी हम लाल तिब्बा के लिए निकल गए हैं. तो हम लैंडोर लाल तिब्बा पहुंच गए हैं फाइनली. टाइम फॉर द 360 व्यू ऑफ लाल तिब्बा. लाल तिब्बा से निकल के अब हम जा रहे हैं लैंडोर बेक हाउस. रस्किन बॉन्ड यहाँ पे आके नॉवल लिखा करते थे, है ना? उसमें बेक हाउस में बैठ के नॉवल लिखते थे क्या? बेक हाउस मतलब उसके आसपास. लाल तिब्बा तो यार कुछ नहीं है बस. तो मैंने देख सोचा था हम लोगों ने कि यहाँ पे कुछ ट्रैक करके जाना होगा या कुछ करके जाना होगा. सच कुछ इतना ज़्यादा नहीं है. अगर हाँ पहली दूसरी बार माउंटेन पर आ रहे हो तो ठीक है. तो हम बेक हाउस पहुँच चुके हैं, लैंडोर बेक हाउस. और अभी यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, तो हमारे दो बंदे यहाँ पे लाइन में लगा रखे हैं मैंने. ये जैसे ही कहते खाली होगा तो तुमने लगा रखे लाइन में. ऑल व्यूअर्स प्लीज कम हियर. ठीक है, तो जैसे ही कहते मतलब जगह मिलती है हम लोग अंदर जाते हैं. So after waiting for around 2 hours, we had our lunch. We had our much awaited desserts at Lendur Bake House. So I just want to know the feedback, guys. Well, I am coming second time here. So what about you guys? It was
Did you like the food? Yeah. So food was very nice. Okay. It was. Few of the dishes were very good. Okay. Like you can have chocolate cake. You can have walnut pie. What? Brownie thi kya? Walnut pie. Yeah. Brownie bhi was. Brownie, hot brownie. Was good. And tandoori something. And please don't try fudge. It's not very good. Yeah, fudge is not good. Yeah. But yeah, overall it's a nice place. Yeah. It's there is a waiting of almost an hour on Saturday and Sunday. Yeah. But I think you should prefer to come on weekdays. Yep. Yeah. Also the prices are a bit on the higher side. And yeah. You can refer Sunny's name because he has come twice. So you'll get 10% discount. You will get 10% discount. You will be charged extra 10%. 10%. Okay guys, so we are leaving. So we are leaving for Char Dukan. Char Dukan is basically famous because Sachin Paji apne Tendulkar Paji udhar aake baithte the. Unka villa udhar hi gaya tha. To abhi dekhte hain fir. Aru hi. Hi Aru. Hi mummy. Bahut maza aaya. Hi Sachin. We are not missing you guys. Mama ji namaste. We are not missing you. अपनी वाइफ के लिए भी बोलो भाई कुछ. हाँ पूनम. क्या पूनम? क्या बोल मेरी कोई मैसेज तो दो. सो वी आर नॉट मिसिंग. वी आर नॉट मिसिंग एनीबॉडी. या या दैट्स सो ट्रू. या कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके बाय बाय. सो बेसिकली चार दुकान यही है यहाँ पे. ये चार दुकानें दिख रही है ना. तो वैसे तो कुछ नहीं, सचिन पाजी इस पेड़ के नीचे बैठा करते थे पहले. तो हमें तो कुछ ज़्यादा सही लग नहीं रहा क्योंकि हम तो लैंड ओवर बेक हाउस में खा के आ चुके हैं. तो भाई हम लोग जा रहे हैं यहाँ से. ओके सो सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम लोग अब वापस निकल रहे हैं यहाँ से मसूरी से. सो रास्ते में पहुँचते हैं कैसे, कितना बजे तक पहुँचते हैं बताते हैं आपको, अपडेट देते हैं. तो अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं. सो वी ऑन आवर वे बैक टू होम. लुक एट द व्यू. इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और क्या रेंज दिख रही है यार. गोल्डन आवर हो गया है. पूरा शहर दिख रहे हैं यहाँ से, पूरा मसूरी. Guys leaving. मिलते हैं फिर बाद में नए ब्लॉग में. Most probably नया का ब्लॉग रहेगा ना. हाँ, तब तक के लिए बाय बाय. Stay tuned, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो. Now it's time to detox our car. अरे मेरे को तो मार रहा है ये. और यहाँ पे सनी अपनी गाड़ी को धोते हुए नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. आई होप यू विल बी हैप्पी अबाउट दिस. ये रहे हम लोग आ गए पानी की दुनिया में. क्या सफाई की है भाई, फ्री की सफाई. नाइस भाई, बस धुल गई क्या? हाँ एकदम नहीं होगी, चकाचक नहीं होगी. फ्री में फ्री में गाड़ी वॉश. चलते हैं बाय. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. और ये हमारी क्रेटा अभी खराब हो गई. आई थिंक द क्लच प्लेट हैज गॉन. आई एम नॉट एबल टू शिफ्ट आवर गियर्स. सनी परेशान है. एक अच्छे नहाने के बाद जैसे नींद आती है वैसे इस गाड़ी को भी मेरे ख्याल से नींद आ गई है.